गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के विषय में जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती उसे अधिमास कहते हैं, कुछ लोग मलमास कहते हैं और कुछ लोग इसी को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। जो अधिमास है ये 32 महीना 16 दिन 4 घड़ी के अंतर से आता है, यानी हर तीसरे साल मलमास लगता है। और जो मलमास लगता है तो जो अंतर आता अंतर को पूरा करने के लिए ही तीसरे साल मलमास लगाया जाता, नहीं तो जो है महीनों बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अधिमास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाला काम नहीं किया जाता। इस महीने में दान पुण्य करने का फल कभी क्षीण नहीं होता। यदि दान न कर सके तो ब्राह्मण या संत पुरुषों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई। दान किया हुआ धन क्षीण नहीं होता है, ये ब्याज सहित बढ़ता है। जिस प्रकार से छोटे से बरगद के बीज से विशाल वृक्ष का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार से मलमास में किया गया दान अनंत फलदायक सिद्ध होता है। इस व्रत के विषय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसका फल देने वाला भी मैं हूं और इसका उपभोग करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं प्राचीन काल में राजा नहुष हुआ करते थे, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे। चारों तरफ इनके नाम का डंका बज रहा था, यानी इंद्रासन भी इनके नाम से घबरा गया था। इसी से प्रभावित होकर अन्य बड़े देवताओं ने इनको सिंहासन पर विराजमान कर दिया। इनको अहम आ गया कि फूले नहीं समा रहे थे, बहुत बड़ा अहम आ गया और अहम के साथ साथ इनके अंदर एक दुर्भावना भी आ गई कि भाई इंद्र का राज मूल्य मुझे मिल रहा है, इंद्रासन की हर चीजें मुझे दी जा रही हैं, तो मुझे इंद्राणी भी मिलना चाहिए, यानी इंद्र की पत्नी भी मुझे मिलनी चाहिए। और इंद्राणी बहुत खूबसूरत थी, ये उनकी खूबसूरती से मोहित थे, इसीलिए चाहते थे कि हमें इंद्राणी भी मिलना चाहिए, इंद्राणी को लेना भी चाहते थे। जब इंद्राणी ने समझा कि हमारा सतीत्व जो अब खतरे में है, तो उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने नहुष के पास में एक सूचना भिजवाई। सूचना में यह कहा कि हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं, हम भी आपसे प्रभावित हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा नहुष ने कहा
हमारे लिए कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जो हम तुम्हारी शर्त न मान सके। बोले बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? हम हर शर्त मानने को मंजूर हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमको अपने साथ रखेंगे, अपनी रानी बनाकर। रानी ने कहा मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन मेरी शर्त। बोले शर्त बताओ क्या? अरे शर्त ये है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं और मैं शादी करके आपके साथ रहूं। बाकायदे आप हमारे यहां बारात लेके आएंगे, पालकी सजा कर लेके आएंगे, बारात सजा के लेके आएंगे और हमको लेके चलेंगे, हम आपके साथ रहने को तैयार हैं। ठीक है। बोले एक बात और है। बोले बोलो। कहने हमारे स्वर्ग लोक के जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं यही हमारी डोली उठाएंगे, दूसरा कोई डोली नहीं उठाए। अरे कहने इसमें कौन सी बात है, तो सब हमारे जो सेवक हो गए बिल्कुल डोली उठाएंगे। भाई उन्होंने बारात की तैयारी करवा दी, डोली सज गई, यानी डोली को पालकी भी बोलते हैं, पालकी सज गई, पालकी में राजा नहुष बैठ गए और जो है ऋषि मुनियों से कहा डोली उठाओ लेके चलो मेरी बारात। भाई ऋषि मुनि चल दिए, कहां तो थे ना ऋषि मुनि, ऋषि मुनि थे, कोमल थे, वो अपने हिसाब से चलने लगे। और ये काम आतुर इतना ज्यादा हो गए थे, इनको ये लग रहा था कि हम कब कितनी जल्दी जो है इंद्राणी के पास पहुंच जाए। ये बहुत बेसब्र बेसब्री से जो है इंतजार करते हुए पहुंचना चाह रहे हैं। इस पर कई बार ऋषि मुनियों को इन्होंने अपशब्द भी कहा और यहां तक ये उत्तेजित हो गए कि ऋषि मुनियों को दंडित भी कर डाला। ऋषि मुनि कष्ट को बर्दाश्त करते रहे और पालकी को लेकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन जो है हर चीज की सीमा होती है, हर चीज की सहनशीलता की भी सीमा है। अगस्त्य मुनि की सीमा से सहनशीलता ज्यादा हो गई, यानी अगस्त्य मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया जा तू सर्पयोन में जा, और उसी क्षण राजा नहुष सर्पयोन में चले गए, अजगर बन गए अजगर, और हजारों वर्ष तक वो जो है अजगर बने हुए सर्पयोन में पड़े रहे। इनको अपने करनी पे बड़ा पश्चाताप हुआ, ज्यादा चल फिर भी नहीं सकते क्यों, अजगर वैसे भी नहीं चल पाता, लेकिन वहीं से पड़े 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 ऋषि मुनियों की विनती करने लगे, भगवान की विनती करने लगे। हजारों वर्ष बाद में महर्षि वशिष्ठ को उनके ऊपर दया आ गई, तब वो महर्षि वशिष्ठ ने उनको पुरुषोत्तम व्रत करने की विधि बताई, अजगर योनि में राजा नहुष ने पुरुषोत्तम व्रत किया और सर्प योनि से मुक्ति हो गई। तो इस बार पुरुषोत्तम मास यानी मधमास जो है 18 जुलाई मंगलवार 2023 से प्रारंभ होगा और 16 अगस्त बुधवार 2023 तक रहेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अगर आपने हमारा वीडियो पसंद किया है
तो मिश्रा ज्योतिष गेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जो हमारे पॉपुलर वीडियो हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। आवश्यक सूचना, हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सप्त नारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर के सामने, पार्क के पास, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता की।